वेलकम टू द पाठशाला। आज की क्लास में हम करने वाले हैं बायोलॉजी का लेक्चर नंबर सेकंड। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कोर्स का ओवरव्यू और लेक्चर नंबर वन नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, तभी आप बायोलॉजी का कोर्स अच्छे से समझ पाएंगे। आज की क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग एक बार ये चेक कर लीजिए कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं। अगर नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि बायोलॉजी का ये कोर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले आपके रेलवे के एग्जाम में और एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। और साथ में आप लोग जो है माई पाठशाला मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे सबसे पहले कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, व्हाट इज लिविंग। अब लिविंग क्या होती है, देखो इसको डिफाइन करना इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं। अगर बात करें वो कौन कौन से टर्म होते हैं, तो ग्रोथ, ग्रोथ एक टर्म होता है जिसके बेसिस पे हम लिविंग को डिफाइन करते हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे टर्म्स पे हम लिविंग को डिफाइन करते हैं। मेटाबॉलिज्म के टर्म पे, मेटाबॉलिज्म के टर्म पे हम इसको डिफाइन करते हैं। साथ में स्टिमुलाई के रिस्पांस पे, इन चार चीजों के रिस्पांस के हिसाब से हम लिविंग को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि अगर किसी चीज में ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, स्टिमुलाई का रिस्पांस है, तो वो चीज लिविंग थिंग्स होती है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है जो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है कि लिविंग थिंग्स क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। नॉन लिविंग थिंग्स वो होती है जिनमें ये चार की चारों चीजें नहीं होती है, लिविंग थिंग्स वो होती है जिसमें ये चीजें पाई जाती है। बात यह है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो कि यूनिवर्स में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म के विषय में हम कैसे कैसे जाने, कैसे कैसे पढ़ें, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। क्लासिफिकेशन जो है वो इन चीज़ों को बहुत आसान बनाता है ताकि हम चीज़ों की स्टडी कर पाएं। तो सबसे पहले जो है हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग थिंग्स है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था। तो क्लासिफिकेशन करने वाले टर्म को लेके कुछ एमसीक्यूज आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले एक नाम याद रखिएगा, लिनियस, कैरोलस लिनियस इनका पूरा नाम है। इन्होंने अपने एक बुक सिस्टमा नेचर में जो है क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया था। इन्होंने जो है दो चीज में क्लासिफाई किया था, एक तो प्लांट में और दूसरा एनिमल में। तो प्लांट एंड एनिमल है, ये दो टर्म उन्होंने डिफाइन किया था सिस्टमा नेचर में। तो ये चीज आप याद रखिए कि लिनियस ने प्लांट और एनिमल दो चीजों में डिफाइन किया था अपने बुक सिस्टम ऑफ नेचर में। ये ऑर्गेनिज्म को उन्होंने डिफाइन किया था, इसी वजह से इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी होता है नामकरण, क्या होता है नामकरण, तो इनको फादर बोलते हैं टैक्सोनॉमी का। ये भी आपका एमसीक्यू के फॉर्म में आता है कि टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, तो कैरोलस लिनियस होते हैं। देखिए जो इनका क्लासिफिकेशन था वो फेल हो गया। फेल होने का रीजन ये था कि देखिए कुछ ऐसे जो है ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, जैसे वायरस हो गया, जैसे फंजाई हो गया, जैसे इग्लुइना हो गया, इसको वो डिफाइन नहीं कर पाए कि इन दोनों कैटेगरी में से कौन कैटेगरी में रखें। जो क्वालिटीज उन्होंने प्लांट की बताई और जो क्वालिटी उन्होंने एनिमल की बताई, इन दोनों क्वालिटीज में ये सारे के सारे जो है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और यूग्लिना ये फिट बैठते थे। तो ऐसे में इनका जो क्लासिफिकेशन था वो क्लासिफिकेशन फेल हो गया। इसके बाद नए तरीके का क्लासिफिकेशन आया जो हमको सीखना है। साथ में देखिए पहले एक चीज और जान लीजिए, एक और एमसीक्यू आपका पूछा जाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पूछा जाएगा, तो इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। एक बुक का नाम है जेनेरा प्लांटेरियम, इस बुक को किसने लिखा, ये एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बुक का नाम है जेनेरा प्लांटेरियम, बैंथम एंड हुकर ने इसको लिखा हुआ था, ये आपका एमसीक्यू पूछा जा सकता है। इसके बाद आया है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्या क्या बन सकता है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किस सन में आया था और किसने इस क्लासिफिकेशन को दिया था, तो आर एच विटेकर, आर डॉट एच डॉट विटेकर, इन्होंने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। जो ऑर्गेनिज्म हैं इन्होंने पांच किंगडम में इसको डिफाइन किया था। जब ये डिफाइन कर रहे थे तो उन्होंने कुछ बातों का ख्याल रखा था, वो बात क्या था, इन्होंने ये जो किंगडम बनाया था वो सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी ईजी है, उसको कंसिडर करते हुए, किस मोड में वो न्यूट्रिशन लेते हैं इसको लेके, उनकी लाइफ स्टाइल कैसे है उसको लेके, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप उनका कैसा है,
इसको लेके उन्होंने पांच किंगडम डिफाइन किए। ये पांच किंगडम कौन कौन से थे आपसे पूछा जा सकता है, तो पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई और चौथा था प्लांटी, इसके बाद पांचवा था एनिमलिया। तो ये पांच किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। इनके विषय में बहुत सारा डिटेल आप पढ़ सकते हो, रिसर्च करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर एग्जाम के नजरिए से अगर देखा जाए तो हमको सिर्फ और सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो एमसीक्यू के फॉर्म में आपको, चाहे एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, चाहे रेलवे के एग्जाम में, चाहे किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो यहां से क्वेश्चन उठता है वो यही पूछा जाता है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किस ईयर में आया था और किसने दिया था। तो आर एच विटेकर का नाम याद रख सकते हैं आप, 1969 में आया था। ईयर बहुत रेयर केस में पूछता है, पर आप ईयर याद रख सकते हैं। एमसीक्यू के फॉर्म में थोड़ा डिफिकल्ट बनाना हो तो ये पूछ सकते हैं कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था। तो सेल स्ट्रक्चर था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, लाइफ स्टाइल थी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था। अब नाम इसमें से पांचों किंगडम का पूछा जा सकता है, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। अब इसके बाद जो पूछा जा सकता है इनके बीच में थोड़ा सा डिटेल कि मोनेरा क्या होता है। तो आप ऐसे समझिए कि मोनेरा क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब बात ये आती है यार कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। देखो, मोनेरा के अंतर्गत आता है आपका बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, आर्कियो बैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया। तो ज्यादातर है सारे बैक्टीरिया के नाम है यहाँ पे एग्जाम्पल के, बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, आर्कियो बैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया। दरअसल ये मोनेरा में जो रखे जाते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको बगैर माइक्रोस्कोप के आप देख नहीं सकते हो। क्या? बगैर माइक्रोस्कोप के आप देख नहीं सकते हो। तो बात वही आती है यार कि माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देखी जा सकती है। तो इसमें और क्या क्या खास बात होती है, और साथ में प्रोकैरियोटिक चीजें क्या होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये टर्म आप सुनोगे। प्रोकैरियोटिक क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या होता है ये, यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है। इसके अंदर जो है, जैसा कि मैंने बताया आपको, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके अंदर एक सेल इस तरीके से होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके विषय में अभी आगे चल के डिटेल पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं आप कि यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल पाया जाता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, मतलब सेंटर में एक न्यूक्लियस रहता है, ये न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, प्रोकैरियोटिक सेल इनको बोलते हैं। तो मोनेरा वो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, एग्जाम्पल के रूप में बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, आर्कियो बैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को भी हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इसके बाद आपका आता है कि प्रोटिस्टा। देखो, प्रोटिस्टा होते क्या है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, और यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि इसमें एक सेल पाया जाता है, और ये एक्वेटिक हैबिटाट्स में होते हैं। क्या होते हैं, ये एक्वेटिक हैबिटाट्स में पाए जाते हैं, मतलब पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि इनको भी सब कैटेगराइज किया गया, प्रोटिस्टा को इनका जो न्यूट्रिशन का मोड है उस हिसाब से प्रोटिस्टा को तीन तरीके से डिफाइन किया गया है, ऑटोट्रोपिक, पैरासिटिक, सिप्रोफिटिक। ऑटोट्रोपिक क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक वो प्रोटिस्टा होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते एक तरीके से। ठीक है, पैरासिटिक वो होते हैं जो अपना फूड नहीं बनाते हैं, और सिप्रोफिटिक वो होते हैं जैसे आपका डेड होते हैं या डिकेड मैटर होते हैं लिविंग बींग्स के, अगर वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनसे अपना फूड लेते हैं, तो उनको सिप्रोफिटिक बोलते हैं। ऑटोट्रोपिक, पैरासिटिक और सिप्रोफिटिक। और हेटरोट्रोपिक भी इसमें एक टर्म आता है। हेटरोट्रोपिक वो होते हैं जो अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड करते हैं। क्या? जैसे एनिमल्स हो गए, जैसे हम लोग हो गए, हम लोग हेटरोट्रोपिक है। ऑटोट्रोपिक वो हो गए जो प्लांट वगैरह होगी, जो अपना फूड खुद बनाते हैं। इसके अंतर्गत अगर एग्जाम्पल की बात करें तो डाई एटम्स, फ्लैजिलेट्स आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं। देखो, इसमें एक और एमसीक्यू आपको पूछा जाता है युगलीना को लेके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है। युगलीना क्या है, ये हेटरोट्रोपिक भी होता है और ऑटोट्रोपिक भी होता है। मतलब क्या होता है, युगलीना कुछ तो अपना फूड बनाती है, कुछ अपना फूड नहीं बनाती है, तो ये ऑटोट्रोपिक भी हो गई, हेटरोट्रोपिक भी हो गई। तो अपना जब वो फूड बनाते हैं ना, तो अपना फूड कौन बनाता है, प्लांट बनाती है, और अपना फूड जो नहीं बनाते हैं, जैसे एनिमल नहीं बनाते हैं,
तो हेटरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक दोनों जो है क्वालिटीज होने की वजह से इनको प्लांट और एनिमल के बीच में रखा जाता है। ये आपका एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि इनको प्लांट और एनिमल के बीच में रखा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फंजाई। देखो ये एक तरीके के प्लांट होते हैं लेकिन नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन लेते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है कि डिकेड मैटर होते हैं। डिकेड मैटर जो होते हैं, डेड थिंग्स होती है, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सेल इनका जो है पूछा जाता है कि किससे बना होता है, तो फंजाई का जो सेल होता है वो काइटिन से बना होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो फंजाई का जो सेल है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। मशरूम हो गया, म्यूकर हो गया, अल्बुगो हो गया, ये कुछ ऐसे हैं जो फंजाई के एग्जाम्पल है। तो आपको याद क्या रहना है, ये फोकस करके याद करना है, ये देख रहे ना, ये फोकस कि सेल जो है फंजाई का किससे कंपोज होता है, ये बहुत ज्यादा बार जो है आपका एमसीक्यू में पूछा जा चुका है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पढ़े प्लांट की, तो देखो यार सारे प्लांट्स एक्सेप्ट एल्गी, डाइएटम फंजाई एंड मेंबर ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, इनको छोड़ के जितने भी प्लांट्स आते हैं सब प्लांट के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद एनिमल ही आती है, तो ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट प्रोटोजोअन्स, इनको छोड़ के, प्रोटोजोअन्स को छोड़ के सारे एनिमल जो है वो एनिमल के अंतर्गत आते हैं। तो ये पांच किंगडम है जिसका रब ओवरव्यू है, जिसमें से एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फंजाई का सेल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ये क्लासिफिकेशन भी फेल हो गया क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें भी कमी रह गई। इसके बाद आपका आया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये जो है ये अब एक्सेप्ट किया जाता है और यही चलता है। इससे क्या हुआ, यूनिफॉर्म इंटरनेशनल नेमिंग दिया जा सका। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की वजह से यूनिफॉर्म इंटरनेशनल नेमिंग दिया जा सका। इसमें क्या हुआ, टू प्रॉपर नेम दिया गया। फर्स्ट नेम जो दिया गया वो दिया गया जीनस को, और सेकंड जो नेम दिया गया वो दिया गया स्पीसीज को। जैसे बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन को नाम दिया गया होमो सेपियंस। तो जो होमो था वो जीनस था, जो सेपियंस था वो स्पीसीज को डिफाइन करता है। जो ये क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है स्पीसीज, ना कि जीनस। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि जो बाइनोमियल क्लासिफिकेशन है, नॉर्मल क्लेचर है, उसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? वो स्पेसीज होता है, जीनस नहीं होता है। तो कुछ कुछ ऐसे नाम्स है जिनको हम साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं, इसको एग्जाम में आपके एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनके बहुत सारे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो सकते हैं, उन सब के नाम साइंटिफिक आप याद नहीं रख सकते हो। लेकिन आपको कौन कौन से नाम याद रखना चाहिए ये भी डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा कि कुछ ऐसे कॉमन नाम है, ये वो चीजें हैं जो आपके दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के लाइफ में आपके आजू बाजू होती रहती है। जैसे ह्यूमन का तो हो ही गया कि ठीक है, होमोसेपियंस होता है। कैट का पूछा जा सकता है क्योंकि ये आपके रोजमर्रा लाइफ से रिलेटेड है, और जब भी आपके एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं यार, कि जो आपके डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं क्या आपको उसके साइंटिफिक नेम पता है कि नहीं पता है, जनरली आप इतने अवेयर हो कि नहीं हो। तो कैट को बोलते हैं फेलिस डोमेस्टिका। डोमेस्टिका से याद रख सकते हो भाई, घर की बात है, और फेलिस, फेलिस कैट के लिए, तो फेलिस डोमेस्टिका। ये देखो जो पहला वाला होता है, जो आपका जीनस होता है, इसका पहला लेटर कैपिटल रहता है, और जो आपका स्पेसीज रहता है इसका पहला लेटर स्मॉल रहता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। हाउस फ्लाई, ये आपके रोजमर्रा लाइफ से है, दिन भर घर में आपके कानों में जो है घुसती रहती होगी। मुस्का डोमेस्टिका इसको बोलते हैं, डोमेस्टिका। तो दोनों की स्पीसीज जो है सेम है, जीनस अलग अलग है। मस्टर्ड, मस्टर्ड भाई आप लोग सभी लोग जानते हैं, रेगुलर रोज का है। ब्रासिका कंपेस्ट्रिक्स इसको बोलते हैं। मैंगो, सब लोग इसका नाम जानते होंगे, बहुत बचपन से हम लोगों ने रट्टा मारा हुआ है। मैग्नीफेरा इंडिका, क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका इसको बोलते हैं। ग्राम, सीसस एरिटेनियम इसको बोलते हैं। फ्रॉग, राना टिगरीना, हमने बहुत 8वीं 9वीं क्लास में 10वीं 11वीं क्लास में रट्टा मारा होता है कि फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, राना टिगरीना होता है। राइस, ये आपका डेली यूज की चीज है, और राइजा सैटिवा इसको बोलते हैं। ये आपका जीनस है, ये आपका स्पेसीज है। काऊ, बॉस इंडिकस, काऊ का नाम याद रखना बहुत आसान है, काऊ में वैसे बॉस लाइक कुछ फील नहीं होता है, तो बॉस इंडिकस इसको बोलते हैं। वीट, वीट का ट्राई टिकम एसटीवीएम बोलते हैं। पिया, पीसीएम सैटिवा, ये कुछ कॉमन से हैं जो आपके एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, और इसके बाद जब हम एमसीक्यूज करेंगे तो उसमें भी कुछ नाम अलग से आएंगे, या फिर जब आप मॉक टेस्ट वगैरह दोगे, या फिर कुछ और चीजें दोगे, या प्रीवियस ईयर के पेपर्स करोगे, तो कुछ नाम और आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उनके भी आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे।
तो आज की इस क्लास में क्लासिफिकेशन को मैं फिनिश कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, मतलब सॉरी आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। और इससे ज़्यादा मैं कुछ इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो टू द पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि आपका बहुत सारा कंटेंट होता है। इससे ज़्यादा पढ़ाने का मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में आपका टोटल टाइम ऑफ वेस्ट होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूँ आपको सेल, सेल स्ट्रक्चर और इसके विषय में डिटेल। इससे आपके बहुत सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो वेट कीजिए नेक्स्ट क्लास का। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।